नमस्कार, हाजिर हैं हम सीधी बात के कार्यक्रम में, आपके कार्यक्रम में। हर बार की तरह इस बार भी एक नया शख्स है हमारे साथ। आपका कार्यक्रम जो कि हर बार एक नए व्यक्ति को लेकर आता है, जो आपके इस नगर निगम के चुनाव में और इस बरसात में खुद को उतारने के बाद ये कहता है कि वो समाज सेवी है और वो प्रामाणिक कार्य करता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ और नजर आता है जब सच्चाई जानने जाओ तो। इस बार भी हम पहुंचे हैं विद्यावती प्रथम वार्ड में, और यहाँ पर पहुंचने के बाद में एक व्यक्ति हैं जो संभावित हैं। अभी कोई दल स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन अंदर से बात यह आ रही है कि कांग्रेस से हो सकते हैं ये प्रत्याशी। नाम है राणा संग्राम सिंह, नाम भी अच्छा, काम देखते हैं संग्राम में कैसा होगा। इस संग्राम में उतरने के बाद में उनका क्या काम है, यानी कि काम का मतलब कितने काम उन्होंने प्रामाणिक दृष्टि से किए हैं, कितना ढकोसला। राजनीति में उतरने के बाद में बहुत लोग अपनी बातें और खासकर चुनाव लड़ते समय जिस तरह दर्शाते हैं और बताते हैं, वो सत्य कुछ और ही होता है अगर आप पता करने जाएंगे। तो इस बार भी राणा संग्राम से हम सवाल करेंगे और ये दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास करेंगे कि वाकई में ये समाजसेवी है या नहीं, या ढकोसला करने के लिए तो नहीं विद्यावती वार्ड के लोगों के बीच में उतरे। प्रामाणिकता क्या है और सच्चाई क्या है राजनीति में उतरने के पीछे का मकसद, कांग्रेस से जो भुनभुनाहट की आवाज आ रही है, जो झुंझुना बज रहा है, उसका सच क्या है, और अब तक काम कितने किए हैं प्रमाणिक दस से, आखिर वोट क्यों देंगे आप लोग, ये भी तो तय करना पड़ेगा। इन सारे सवालों के साथ बस थोड़ी देर में सीधी बात के कार्यक्रम में आपका लोकप्रिय कार्यक्रम बस थोड़ी देर में सच के साथ हाजिर होगा आपके साथ, बस थोड़ी देर। आज जनतंत्र को आवश्यकता है एक ऐसे युवा की जो प्रमाणिक काम करे, जो ढकोसला न करे, और एक ऐसे ही युवा है जो प्रमाणिक काम करने की चेष्टा रखते हैं, मन में कर्तव्य रखते हैं समाज सेवक बनकर काम करने की, वो है राणा संग्राम सिंह। जिस तरीके से इनकी कार्यशैली रही है, जिस तरह से इनकी मनोदशा रही है, जिस तरह से अब तक इनका समर्पण रहा है, अर्पण रहा है, वाकई में तो चर्चा का केंद्र जिस प्रकार से विद्यावती प्रथम वार्ड में बना है, उससे ये साफ जाहिर है कि ऐसे ही व्यक्ति की आवश्यकता है, ऐसे ही इंसानों की आवश्यकता है जो काम करने के लिए राजनीति में उतरे, जो काम करने की चेष्टा लेकर, प्रामाणिक परिवर्तन की चेष्टा लेकर, आम गरीब उस असहाय व्यक्ति की आवाज को बुलंद करने की चेष्टा लेकर राजनीति में उतरे हैं, ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है, और ऐसे हैं राणा संग्राम सिंह। हमने इनसे खास मुलाकात में और एक खास बातचीत की और काफी हद तक सच्चाई जानने की कोशिश की कि आखिर ये समाज सेवक, आखिर ये प्रामाणिक समाज सेवक क्षेत्र में कार्यशैली इतनी तीव्र क्यों। आइए मिलते हैं, लेकिन ये बात जान लीजिए कि लगातार काम करते करते यहाँ तक का सफर तय किया, तभी तो आज हम भी इनसे बात करने पहुंचे। धार्मिक अनुष्ठानों में योगदान हो, चाहे सड़कों पर सड़कों की व्यवस्था पर लिखित ज्ञापन हो, चाहे लगातार लोगों के आम जनमानस की समस्याओं से जुड़ी हुई समस्याओं को उठाना हो, राणा संग्राम सिंह ने अपना हर एक समर्पण किया। आइए मिलते हैं संग्राम हाजिर है उसी कार्यक्रम में जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले हमने किया, और कुछ तस्वीरें आपको दिखाई हमने अभी थोड़ी देर पहले। उन तस्वीरों से मालूम पड़ गया होगा कि राणा संग्राम सिंह की सच्चाई क्या है। बस थोड़ी देर पहले आपने जो तस्वीरें देखी, अब बातचीत करते हैं, वो हमारे साथ उपस्थित हैं राणा संग्राम सिंह, आइए बात करते हैं। नमस्कार राणा जी, बड़ी कम उम्र है आपकी राजनीति में, और अनुभव भी लगभग उसी प्रकार का होगा। इतनी कम उम्र में राजनीति क्यों भाग गई, क्या पद प्रतिष्ठा लोभ लालच, इसलिए कि आइए हम चलते हैं इस हवा में झोंके में, आइए हम भी चुनाव लड़ लें, पद मिल जाए, पार्षद बन जाएं, हमको ही मलाई खाने को मिले, ऐसा कुछ सोच है, या फिर आखिर ये राजनीति का दामन और रास्ता क्यों चुना? देखिए, मैं टेलीकॉम इंजीनियर था पहले, और काफ़ी सालों से देख रहा हूँ कि हमारे यहाँ से कई पार्षद चुन करके आए हैं, लेकिन क्षेत्र में समस्याएं ज्यों की त्यों हैं। पानी की समस्या, बिजली, रोडें, पार्क का भी सुंदरीकरण हमारे यहाँ बिल्कुल अछूता। ये उनकी समस्या थी, वो नहीं किए, बात तो ठीक है। आप राजनीति में उतरने के पीछे का मन कब और क्यों बना, सिर्फ इस बात पर कि उन्होंने काम नहीं किया ये राजनीति में उतर जाएं? मैं उसी टॉपिक पे आ रहा हूँ। तो शुरू से ही समाज सेवा की भावना हमारे अंदर प्रबल रही है। मैं शिक्षक का बेटा रहा हूँ, और ये हमारे क्षेत्रवासियों का भी आदेश था हमारे लिए, ये केवल मेरी अपनी इच्छा नहीं थी। मैं लोगों के दुख दर्द में हमेशा शामिल होता रहता हूँ, और जात पात के मुद्दे से ऊपर उठ करके हमेशा मैंने हर किसी के त्योहारों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता हूँ मैं, और रात बिरात कभी भी कोई भी मुझे हिस्सा लेने का मन
आखिर बना क्यों, राजनीति में उतरे क्यों, मेरा सवाल सिर्फ इतना था, ये मन का आखिर कब बना और क्यों बना? सिर्फ इसलिए कि अव्यवस्था है और चले हम राजनीति में? नहीं, मैं मूल पर आना चाहता हूँ। मूल बात क्या थी? मूल बात यही है कि हमारे क्षेत्र का जो जो हम लोग उम्मीद लगाए हुए बैठे थे अपने पूर्व पार्षदों से, तो उन लोगों ने उस तरह से मतलब कभी हमारी जनता को ट्रीट भी नहीं किया। हमारे यहाँ से क्षेत्र से लोग बाग उनके घरों में जाते थे तो आप समझ लीजिए कि वो लोग बाहर तक नहीं निकलते थे, पता चलता था कि वो घर के अंदर ही बैठे हैं और उसके बाद भी अंदर से ही मना कर देते थे। और कोई बंदा समस्या लेकर के भी गया मेरे क्षेत्र से तो कई बार तो ऐसा हो गया कि उन्होंने कहा कि आपके क्षेत्र का हम विकास नहीं करेंगे, आपके क्षेत्र से हमें बहुत कम वोट मिले हैं। तो ये भी एक कारण रहा। और थोड़ा स्वभाव हमारा हमेशा से पोलाइट रहा है इन चीज़ों को लेकर, तो क्षेत्र की जनता का भी आदेश था और इसीलिए मैं इसमें आना चाहता हूँ। शर्ट की बाहें आपकी बता रही हैं कि आपका व्यवहार कितना पोलाइट है। खैर चलिए, मैं विषय पर आता हूँ। बात ये बता दीजिए कि आपका 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 राजनीति में उतरने का मतलब ये था कि आपको लगा कि नहीं राजनीति में उसलिए उतर रहा है कि अव्यवस्थाएँ हैं नेता की, यानी कि नेता बात नहीं सुन रहा है, नेता हम कह सकते हैं पार्षद प्रतिनिधि बात नहीं सुन रहे हैं, आम जनमानस की अव्यवस्था को नहीं सुन रहे हैं, आपको लगा राजनीति में? कांग्रेस पार्टी की भनक को सुनक क्यों आ रही है? क्या कांग्रेस पार्टी ही आपको लगता है कि राजनीति में उतरो फिर एक पार्टी में पकड़ लो, वो भी कांग्रेस, उस वो भी का मतलब कांग्रेस, क्यों कांग्रेस पकड़ने के बाद में पार्षद को चुनाव लड़ो, यही समाज सेवा है? अभी मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अभी मुझे लगा कि कांग्रेस में प्रयास, आपको पहले तो यहाँ की यहाँ पे जन संघर्ष करना चाहिए था, पहले आंदोलन छेड़िए व्यवस्था को ठीक करने के लिए, यहाँ पर लोगों से संपर्क करके उनके एप्लीकेशन नगर आयुक्त या अन्य विभागों तक पहुँचाइए जहाँ से वो समस्या रिलेटेड है। आप ये सब करते, डायरेक्ट आप उतर गए चुनाव लड़ने के लिए और कांग्रेस से मांग रहे हैं टिकट, ये सब ठीक बात लगती है आपको? लगता है कि प्रमाणिक समाज से भी हैं आप? अब मैं प्रयास कर रहा हूँ। ये प्रयास बार बार प्रयासी तक अटक जाता है कहीं उसके, ये इस तरह का प्रयास, राजनीति में उतरे टिकट मांग रहे हैं कांग्रेस से और पार्षद का चुनाव, इतना प्रयास आपको आपको लगता नहीं उन चीज़ों के लिए प्रयास करना चाहिए था जहाँ जनता संघर्षमय है, जहाँ जनता चाहती है कि यहाँ सड़क बने, यहाँ नाली ठीक नहीं है, यहाँ सीवर जाम है, यहाँ पानी की व्यवस्था ठीक नहीं है, यहाँ पार्कों का सौंदर्यीकरण ठीक नहीं है, तमाम बातें जो पार्षद के अंडर में आती हैं, इसके लिए आपको संघर्ष करना चाहिए था। आपने कभी इनके लिए क्या ज्ञापन आदि के माध्यम से वरिष्ठों तक बात पहुँचाई? हाँ, कई बार प्रयत्न किया है। जैसे किस काम के लिए? जैसे रोड लाइट सही करने के लिए भी सभासद जी को भी भेजा था हमने एक ज्ञापन, और सड़क के लिए भी भेजा था। अभी बीच में पानी की समस्या थी हमारे क्षेत्र में, टैंकर वगैरह के लिए बोला गया, और भी इस तरह से कई समस्याओं के लिए बोलते रहे। क्या मुखातिब से बोलते रहे आप? उसके लिए कुछ और आंदोलन, कोई संघर्ष, कोई बड़ा छेड़ा हो, कुछ लगातार आपने टिप्पणियाँ की हो, कुछ ऐसा कुछ किया? हाँ या ना? मुझे नहीं, करते रहते हैं। जैसे एक बता दीजिए कोई आंदोलन आप? ये कभी हमारे क्षेत्र में करंट लगने से मजदूर एक ख़त्म हो गया था, तो एक बिल्डर हैं भाजपा के ही लोगों से वो संबंधित था बंदा, और उस लेबर के लिए हमने आंदोलन किया था, उसको मैंने 4 लाख रुपए का चेक भी दिलवाया था। यानी कहीं ना कहीं वो भी जारी रहा आपका, लगातार संघर्ष करना भी जारी रहा। हाँ जी। अच्छा एक चीज़ बता दीजिए, विद्यावती प्रथम वार्ड से आप संभावित हैं प्रत्याशी के रूप में, यहाँ के लोगों के लिए धरातलीय काम आपके कितने रहे? आप इसे गिना दीजिए कि मैंने इस सड़क के लिए या उस तरीके के लिए, जिस तरीके से भी आपका धरातलीय काम रहा हो किसी भी रूप में, तन मन धन से, तो जरा आप बता दीजिए कि इतने काम हमने कराए अपने बल पर बिना पत्ते। अभी मंदिर में एक हेलोजन वगैरह हमने लगवाई, और ये लेबर जो अभी मैंने बताया आपको ख़त्म हो गया था, और भी कई लोग ऐसे भी हमारे पास आए जिनके खिलाफ फर्जी के झूठे मुकदमों में उनको फंसाया गया था, तो उनके लिए भी मैंने संघर्ष किया, थाना चौकी वगैरह अपना पैसा भी लगाया, और गरीबों के लिए भी काम करता ही रहता हूँ, सर्दी में कंबल उम्बल बांटना और ये सब, तो ये सब चीज़ें मैं करता ही रहता हूँ, लगातार जारी रहता है। हाँ, और आपने ये प्रश्न किया ना कि आप इतना एकदम से कैसे उठ गए, तो नहीं गए, आए क्यों? आए, मुझे लगा कि अभी नहीं उतरेंगे तो हो सकता है लेट हो जाऊंगा, फिर मुझे 5 साल बाद ही मौका मिलेगा, है ना, तो कोई मन में अफसोस ना रहे, इसलिए कल से बेहतर है कि आज ही खड़े हो जाया जाए, बस काम ना करें और चुनाव लड़ लें। नहीं नहीं, काम भी करेंगे, काम तो मैं पिछले कई सालों से कर रहा हूँ। कितने साल हो गए आपको?
हर चीज को राजनीति में नहीं जोड़ा जा सकता है। तो आप समाज, मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। अब लोगों का, हमारे क्षेत्रवासियों का मन है कि मैं राजनीति में आऊँ, तो उनके आदेश को मैं झुठला नहीं सकता हूँ ना। लोगों का मन है, ये बात पक्की आप कह रहे हैं? ये आप क्षेत्र में भी पता कर सकते हैं। पता कर लिया है तभी हम कह रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न मैं करता हूँ, कांग्रेस पार्टी क्यों, आखिर इस दल से आपको ये दल इतना प्रभावशाली क्यों लगा? यहाँ से टिकट के लिए टिकटार्थी के रूप में आप सामने आ रहे हैं, आखिर क्यों? कांग्रेस देखिए राष्ट्रीय पार्टी है पहला, भाजपा भी राष्ट्रीय है, सभी राष्ट्रीय। भाजपा का जब से राज आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि हर कोई रो ही रहा है, और जितने भी काम धंधे हैं सबके ठप पड़े हुए हैं। मैं खुद भी ठेकेदारी करता हूं, और आप समझ लीजिए कि मोरंग से लेकर के गिट्टी से लेकर के सब चीज़ों के दाम दुगने हो चुके हैं, और ऐसा अभी आज की डेट में मुझे कोई भी ठेकेदार ऐसा नहीं दिख रहा है जिसका काम चल रहा हो। सबके काम बंद पड़े हुए हैं, व्यापारी अलग रो रहा है। तो भाजपा की योजनाएँ हमारी समझ के बाहर हैं। पैसा कमाना बंद हो गया इसलिए पार्टी खराब होगी? पैसे की ओर तो हमारा ऐसी छवि है ही नहीं कि पैसा के लिए तो मैं कभी लालची रहा ही नहीं, मैं प्रेम को हमेशा महत्व देता हूँ। आपने कहा ना कि कोई ठेकेदार ऐसा नहीं है जो कमा रहा हो, जिसका किसी का काम चल रहा हो, यानी सबके काम ठप, कमाई खत्म, तो इसलिए पार्टी बेकार। हमारा मानना है कि दाल रोटी जिसकी चल रही है वो तो ना छीने। हमारे, मैं ठेकेदारी करता हूँ, हमारे अंडर में 200 के करीब लेबर काम करते हैं। मेरा काम बंद है तो आप समझ लीजिए कि उन 200 परिवारों पर भी प्रभाव पड़ा है इसका। अच्छा, इसमें प्रभाव समझ में ये नहीं आता कि प्रभाव क्यों पड़ गया। एक ठेकेदारी करता है, वो अपना कॉन्ट्रैक्ट ले, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पे अपनी जो योजना जो उनके पास है मानक, उसको पूरा करने के बाद GST के आधार पर जो भी कुछ आगे होता है उसको करें। तो इसमें आपका काम बंद हो गया, इसमें सरकार दोषी कैसे? आप इनके रेट वगैरह भी देख लेंगे तो 6% 7% दुनिया जानती है कि कमीशन पहले जाता है, और उसके बाद में उसी पुराने रेट में कमीशन पहले जाता है, यानी कि मतलब कमीशनबाजी तो हर क्षेत्र में चलती ही है। खुलकर नहीं समझ पाया ना आप, पूरा मैं समझ नहीं पाया, खुलकर आप खुलकर समझा दीजिए कमीशनबाजी मतलब क्या। अब ठेकेदारी में आप भी घूस देते थे, इसका मतलब घूस क्या? अब मैं तो लिया हूँ कहीं से, अब ये तो घूस लिए हैं आप? घूस नहीं, मैंने ठेका लिया है। अब कैसे लिया जाता है ये हर कोई जानता है, आप भी जानते हैं। यानी आप भी करप्ट, पहले पर करप्शन आपने किया है? करप्शन नहीं, हमारा जो टेंडर है वो मैंने किसी से पेटी टेंडर लिया है। मुझे, आपने उससे पूछा नहीं कि कैसे लाए हो? मैंने, उतनी हैसियत हमारी नहीं, बड़े ठेके हैं, मैं तो छोटा मोटा ठेकेदार हूँ। जनता इतनी जनता की, अगर आपके पास नगर निगम पार्षद बन जाएंगे आपके पास भी कॉन्ट्रैक्ट आएंगे, निश्चित रूप से सड़कों की एस्टिमेट आप फाइलें बनवाएंगे, आगे पहुँचाएंगे, उन सड़कों की जब बात उठेगी तो वहाँ पर जो ठेकेदार आपसे करेगा तो आप भी ऐसा कर देंगे, चलो ठीक कमीशन ले लो, जाओ काम कराओ सर। कमीशन खोरी की तो मैं शुरू से ही बहुत खिलाफ रहा हूँ, लेकिन आप तो उसमें लिप्त नजर आ रहा है। आपने कहा कि ठेकेदारी जो करते थे वो आपको देते थे, आप जानते भी थे इस बात को कि ऐसा हो रहा है, उसके बावजूद आप शांत थे। मैंने जिससे पेटी वेंडर पे जिससे मैं काम करता हूँ उन लोगों का ऐसा मानना है, लोगों से सुनता रहता हूँ, ठेकेदारी लाइन में हूँ। आप इसका मतलब कहना है चाहते हैं कि आप बिल्कुल अनजान हैं, अभी 7-8 साल के बच्चे के हिसाब से आप बिल्कुल अनजान हैं, आप सुनते थे, अभी थोड़ी देर पहले कह रहे थे आपकी, आप भी जानते होंगे ऐसा होता है, दिया जाता है लिया जाता है, अब आप कह रहे हैं मैं अनजान था, मैं सुनता था, कहीं बात दबा रहे हैं, कुछ खुलकर नहीं बोल रहे हैं। देखिए ऐसा ना कि इतने घोटाले हुए, ठीक है, आपने कितने किए बताइए? मैं आपको बताऊं, इतने घोटाले हुए, होते रहते हैं, खुलते रहते हैं, लेकिन मेरे सामने नहीं हुआ, मैंने भी सुना है वो घोटाले जो NRHM घोटाला और फलाने खनन घोटाले और फलाना ढिमाका जो भी है वो भी मैंने सुन ही रखा है, मैंने देखा नहीं है। तो इसी तरह से मैं ये चीजें सुनता रहता हूँ। अच्छा हुआ लिया जाता है, ऐसे लिया जाता है, जरूरी है डिफेंसिव हो जाना चाहिए उत्तरों में, आप डिफेंसिव हो रहे हैं, और कोशिश करिए, हो सकता है कि आखिर तक डिफेंसिव हो जाए अगला प्रश्न मेरा, लेकिन वो अगले प्रश्न के लिए एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से सच जानने का और प्रयास, एक ब्रेक। नमस्कार, हाजिर है फिर से उसी कार्यक्रम में जिसका अभी थोड़ी देर पहले चल रहा था चलन और बातचीत। हमारे साथ उपस्थित हैं राणा संग्राम सिंह, आइए बात करते हैं। राणा जी, आखिर अगर यहाँ यही चलता रहा जिस तरह से आप बताए कि आप ठेकेदार थे, छोटे मोटे ठेकेदार थे, कॉन्ट्रैक्टर, जिस तरीके से आप अगर मान लिया चुनाव लड़े और जीत गए, फिर से कॉन्ट्रैक्टरपन जारी रहेगा, इसको बंद कर देंगे? अब तो सब काम धंधा मेरा बंद ही हो गया जब से भाजपा सरकार आई है। तो ऐसा क्या हो गया कि भाजपा सरकार आई और आप बिल्कुल बंदी हो गए? इसका मतलब ये कहीं करप्शन आ रहा था क्या?
नहीं नहीं अभी खुल के बोलिए कुछ बात। हाँ लगभग हमारा 70% काम पूरा हो चुका है। ठीक है 70% काम क्या भ्रष्टाचार का पूरा हो गया? नहीं वो जो आप तो बोले 70%, मैं तो वही पूछा ना मैंने, मेरा सवाल यही था कि भ्रष्टाचार आप भी कर रहे तो आपने कहा 70% काम लगभग पूरा हो गया है, यानी भ्रष्टाचार 70% आप कर चुके हैं। हाँ भ्रष्टाचार जो कर रहा होगा, हाँ जो कर रहा होगा वो कर रहा होगा। मैं तो पैटी वेंडर हूँ, मैंने बताया ना लेबर कॉन्ट्रेक्टर हूँ मैं, है ना। तो हमारा जो वर्क बचा है 30% बाकी है उसको करेंगे अपना, और अगर क्षेत्रवासियों ने अपना प्यार दिया शुभकामनाएं दी तो फिर राजनीति में आगे कदम बढ़ाएंगे। नहीं बढ़ा तो आप बहुत आगे रहे हैं, चुनाव लड़ना इससे आगे क्या चाहिए आपको? यहाँ से तो राजनीति बहुत लोगों की खत्म हो जाती है तो शुरू होती है चुनाव जीतने के बाद हारने के बाद। खैर आप तो अभी ईश्वर हमारे साथ इतना मेहरबान है कि मैं आज तक कभी हारा नहीं हूँ किसी भी क्षेत्र में। चलिए अभिमान भी तो है आपके अंदर, ये अच्छी बात है। अगला प्रश्न आखिर ये बताइए कि चुनाव लड़ेंगे जीतेंगे, मेरा प्रश्न पहले भी यही था अभी फिर से कि जीतेंगे उसके बाद भी कॉन्ट्रैक्टर का कार्य जारी रहेगा या बंद कर देंगे? पार्षदी चलाएंगे अब अगर जनता मौका देगी तो फिर केवल शुद्ध पार्षदी ही करेंगे। शुद्ध हाँ यानी शुद्धता में अशुद्धता हो जाएगी, कारण है ना घर कैसे चलेगा गाड़ी कैसे चलेगी, पार्षदी चलाएंगे है ना। पार्षदी जब पूरा बंद हो जाएगा तो चलेगा किससे? तो और कोई काम करेंगे क्या इसके अलावा? नहीं तो हमारा हम ये जानना चाहते हैं कि जनता को पार्षद कैसा मिलने वाला है, वो पार्षदी से अपना घर चलाएगा, पार्षदी से अपना कार्य चलाएगा, अपनी गाड़ी चलाएगा, या वो साथ साथ अपने व्यापार को जो देखता है वो देखता रहेगा और पार्षदी चलेगी समाज सेवा के आधार पर। लेकिन आपके उत्तर से तो मिल यहाँ से तो फट गया, लग रहा है कि पार्षदी से घर चलेगा, गाड़ी चलेगी, दोस्त चलेंगे, यार चलेंगे और जनता कहीं ना कहीं चलती रहेगी। पार्षदी से मैंने बताया ना कि बिल्कुल विशुद्ध हमारा पूरा समाज चलेगा। विशुद्ध मतलब बिल्कुल शुद्ध रूप से केवल क्षेत्र का ही विकास होगा। देखते हैं उत्तर तो पहले कुछ और आया था, बार बार डिफेंसिव होना पड़ता है। चलिए अगला प्रश्न मेरा आपसे, क्या वर्तमान पार्षद ने जो आप पहले उत्तर दे रहे थे, क्या वर्तमान पार्षद ने बिल्कुल ठीक ढंग से काम नहीं किए जिस प्रकार से होने चाहिए थे? उन्होंने केवल अपने घर के आसपास ही विकास किया है, बाकी तमाम सेक्टर उनके विकास से अछूते रह गए हैं। आप आएंगे तो पूरा कर देंगे, बदल देंगे? अब मैं प्रयास तो पूरा यही करूँगा। क्या सपना है आपका कि मैं अगर आऊँगा तो आई विल डू दिस, मैं ये करके दिखाऊंगा, क्या? मेरा सपना यही है कि मैं बिल्कुल अपने वार्ड को बिल्कुल सबसे अच्छा वार्ड करके दिखा करके दूंगा। ये तो सब कहते हैं, अलग क्या है आपके में? आप भी सबसे अच्छा करके देंगे, विकास आप भी कराएंगे, इसका मतलब? मैं मतलब विकास कराऊंगा नहीं, कराऊंगा कराऊंगा। राहुल गांधी कहते हैं विकास पागल हो गए, विकास विकास विकास, 5 साल से इतना विकास चला है, अभी देखा हो गुजरात में एक भाषण में उन्होंने कहा विकास पागल हो गया है, इतना विकास आप भी विकास कराएंगे, ऐसा ही विकास ऐसा जैसा आपका चलता आ रहा है? गड्ढे मुक्त नहीं हुए अभी तक? नहीं हमारे क्षेत्र में जो पार्कों का लाइट का पानी का जो भी समस्याएं हैं इसको मैं दूर करने का प्रयत्न करूंगा अपने स्तर पे, और जब मैं अगर जीतूंगा तो आपको ये पूरे हमारे क्षेत्रवासियों को वो चीज़ नजर आएगी यथार्थ में। सब कहते हैं आप कैसे कर पाएंगे, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर एक आदमी कॉन्ट्रैक्टर जिसको पता है कि सामने कैसे कमीशन लिया जाता है दिया जाता है, जिसको पता है कि सब पीछे पर्दे के पीछे क्या हो रहा है, उसके बाद वो पर्दे के आगे आएगा तो सब कुछ खत्म कर देगा, दूध का धुला हो जाएगा, बिल्कुल समाज सेवा प्रामाणिकता वाला करेगा, बात हजम नहीं हो रही कुछ। मैं लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ ना, और इसलिए मुझे जानकारी है कि सुंदर मकान सुंदर सड़कें कैसे बनाई जाती हैं, बाकी सब अज्ञानी और बाकी ऊपर स्तर पे क्या चल रहा है भगवान जाने, मैं तो सुनता रहता हूँ। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि इस बार आपके सामने फाइट में कौन रहेगा, क्या लगता है, भाजपा बसपा सपा? फाइट में भाजपा का तो निशान कहीं दिखाई नहीं दे रहा है, हमारे फाइट में केवल सपा का प्रत्याशी संभवतः हो सकता है। सपा का प्रत्याशी सामने नहीं आ रहा है अभी तो, कोई ऐसा कोई दमदार सामने नहीं आपकी नज़र में है कोई? अभी प्रत्याशी मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन 2-3 लोग मांग रहे हैं यहाँ से टिकट, और मेरी जिससे भी फाइट होगी सपा से ही फाइट होगी। जीत कितना विश्वास है जीत का? जीत का तो मुझे 100% मैं श्योर हूँ कि मैं ही जीतूंगा। धन्यवाद। बातचीत हुई हमारी इस कार्यक्रम में और लगभग लगभग सामने एक बात आई, वो बात आप भी समझ चुके होंगे कि एक ठेकेदार जब राजनीति करेगा तो राजनीति का ठेका किस प्रकार से लेगा, ये भी आप समझ चुके होंगे। आज के लिए इतना ही, कैमरामैन अवधेश कुमार के साथ सचिन दीक्षित, एंटी करप्शन न्यूज एंड व्यूज़।